एक्चुअली मेरी मम्मी अक्सर कहती थी क्या करेगा, लेकिन वास्तव में हमारे परिवार के आइडियल हमारे जीआई रहे, बड़ी ईमानदारी बड़ी वफादारी हमने इनसे सीखी पासवानी सेवा में, एक एक रुपये की ईमानदारी हमने इनसे सीखी। और बचपन से ही मेरी मम्मी मुझसे कहती थी अपने जीजा को देख, अपने जीजा को देख। और वास्तव में मैं पादरी मैं मेरे रोड मॉडल जीजा जी रहे, मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ। मेरे किशन जी आई, मैं सिक्स क्लास में था तब से आई जोश के साथ जाएंगे। कन्वेंशन का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से लोग आ रहे हैं मसीह समाज के, क्या संदेश दिया जा रहा है? सभी मसीह लोग जितने भी फरकाबाद में हैं, सभी चर्चेज के जो है ये संयुक्त है, सभी लोग इसमें आ रहे हैं और अधिक आने की संभावना है। जो भी आज नहीं, आज के वचन को जब वो सुनेंगे, लोगों से जानेंगे, तो वास्तव में और अधिक लोग होंगे। और मैं सोचता हूँ जितना मसीह समाज है वो सबके सब जो है इसमें आएगा, क्योंकि वो आत्मिकता में अपने अंदर इस भूख को महसूस कर रहा है कि हमें जो भूख है वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के दास के माध्यम से हमें मिल सके। थैंक यू। और क्या वचन आपने सुना है? एक्चुअली फरुखाबाद यूनाइटेड कन्वेंशन है, जो फरुखाबाद शहर में CNI के तमाम चर्चेस के अंडर में जो है संयोजित हुई। अध्यक्ष रेवरेंड जयपाल मसीह साहब रहे, उपाध्यक्ष स्टीफन मसीह साहब रहे, और ये सभा जो है वो आत्मिक जागृति के रूप में है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मत डरो, ढांढस बांधो, मैं हूँ। यीशु मसीह की ये बातें जो मुझे और आपको निडर बनाती हैं कि मैं और आप अविश्वासता के बंधनों को तोड़कर, डर के बंधनों को तोड़कर विश्वास में आगे बढ़ें और ईश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास करें कि वह जो कर रहा है, कर चुका है और करने वाला है, वो भला ही है। 3 दिन प्रार्थना चलेगी? जी, 3 दिन चलेगी। ये कल शाम को भी होगी 5:30 बजे से और परसों शाम को। थैंक यू।